31 अक्टूबर आईपीएल रिटेंशन का वो आखिरी दिन था। आपने देखा कि रियान पराग को 14 करोड़ मिल गए, प्रभ सिमरन को पंजाब ने रिटेन कर लिया, अर्शदीप को टाटा बाय बाय कर दिया एंड कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको उम्मीद से ज्यादा पैसे मिल गए हैं। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीएल इतिहास के कुछ ऐसे प्लेयर है कि उनको पैसे ज्यादा तो मिला, यानी कि कद के हिसाब से देखा जाए तो उनको पैसा कम मिलना चाहिए था, बट मिला ज्यादा लेकिन उसके हिसाब से परफॉर्मेंस भी नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो सबसे पहले बात करते हैं हैरी ब्रूक की। अब हैरी ब्रूक साल 2023 में ना अपने इंटरनेशनल करियर पे बहुत ऊपर जा चुके थे, लाइक नया स्टेज था, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो आईपीएल जैसे स्टेज पर उनका नाम आना तो लाजमी था। अब ऐसे में ऑक्शन टेबल पर नाम आना काव्या मरण की खुशी देखी जा सकती थी। काव्या मरण देखते देखते ही अचानक वो कब 13 करोड़ पे पहुंच गई किसी को आइडिया नहीं लगा। हैरी ब्रूक उस साल 13.25 सीआर में हैदराबाद की टीम में शामिल हुए, परफॉर्मेंस कुछ उस तरीके से खास नहीं रहा। पूरे सीजन में 190 रन और 190 में से 102 रन तो एक ही मैच में आ गया था। परफॉर्मेंस वाइज अगेन इंग्लैंड वाली हरकत, वो घर को रवाना हो गए। नंबर चार जो है वो है पवन नेगी। साल 2016 या 17 में आई थिंक जब दिल्ली डेयरडेविल्स ने पवन नेगी को 8.5 करोड़ में अपने टीम में लाया था। अब ये उस टाइम की बात है जब ये मिनी ऑक्शन में 8.5 करोड़ में पवन नेगी को बाय किया था, मात्र 57 रन्स, एक विकेट। एंड मेरे हिसाब से पवन नेगी इस प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर पाए, बहुत सारे ऐसे होता है, बट पवन नेगी बड़ा सितारा नहीं था, बट क्यों दिल्ली डेयरडेविल्स ने दिया किसी को आइडिया नहीं आज तक। अब अगला जो नाम है वो है युवराज सिंह का, सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह। जब दिल्ली डेयरडेविल्स ने इनको 16 करोड़ रुपए दिया, सब कोई चौंक गया था, यार 16 करोड़ युवराज सिंह जस्टिफाइड प्राइस नहीं है। परफॉर्मेंस क्या आया, 248 रन पूरे सीजन में, एक विकेट एंड आई थिंक 250 था। अब दिल्ली डेयरडेविल्स ने क्या सोचा था, इस रॉक स्टार प्लेयर को अपने रॉक स्टार तरक्की से अपने टीम में एंट्री करे, और ये क्या निकले, पावर स्टार भी नहीं निकले। तो युवराज सिंह बैक टू बैक फ्लॉप सीजन के बाद अगला सीजन यानी ये वाला सीजन भी अगेन फ्लॉप साबित हुआ। एंड देखा जाए तो ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, किसी भी प्लेयर को 16 करोड़ दे दिया किसी भी प्लेयर को, यार पवन नेगी जैसे प्लेयर को आप 8.5 करोड़ रुपए दे रहे हो तो ठीक है, आप एज अ टीम ओनर एज अ टीम स्टाफ आप समझ रहे हो कि मेरा ये प्लेयर जो है वो परफॉर्म करके देगा, बट रियलिटी कुछ और हो सकती है ना। तो आप ग्राउंड पर कैसे हो, आप ऑक्शन टेबल पे आपको रॉकस्टार नहीं बनना, ग्राउंड पर आपको स्टार बनना है। एंड जो लास्ट है वो आरसीबी का भाई है, वो टिमान मिल्स का 12.5 करोड़ वाला, वो टकला सा बॉलर जो आता है, वो 12.5 करोड़ पूरे सीजन में आई थिंक 9-10 का इकोनॉमी। अब देखो चिन्ना स्वामी पर है तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि मैं किस लेंथ पर अब मैं बॉल डाल रहा हूँ, 5 विकेट पूरे सीजन में। उसके बाद इंग्लैंड वाली हरकत, इंसर्ट होकर अपने घर को रवाना हो जाना एंड अगले साल आरसीबी ने उसको रिलीज किया। अब वो टिमान मिल्स कहाँ है किसी को आइडिया नहीं है। एंड जो ये चीजें देख रहे हो कि हर प्लेयर को 16-20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, आखिर ये कैसे मिलता है, आईपीएल के इतिहास क्या है, ये वाला वीडियो क्लिक करके देखो आपको पता चल जाएगा।